गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने भारत के विभिन्न परंपरागत वस्त्रों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने आपसे ढाका के मलमल है, ढाका की साड़ियां हैं, चंदेरी साड़ियां हैं, एमपी की मुर्शिदाबाद बालूचर साड़ियां हैं, पटोला गुजरात और काठियावाड़ के साड़ियों के बारे में और राजस्थान की बांधनी और बंदेज के बारे में आपसे चर्चा की। इस चैप्टर में हम भारत के जो विभिन्न परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं, जिसके अंदर पंजाब की फुलकारी हो, लखनऊ की चिकनकारी हो, कांथा हो, बंगाल की कांथा हो, इसके अलावा राजस्थान की कढ़ाई, मणिपुरी कढ़ाई आदि के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की जो परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं उसके अंदर हम बात करेंगे पंजाब की फुलकारी की। उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें कि भारत जो है अपने बहुत ही प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो बहुत ही आकर्षक, अलौकिक, सुंदर और विशिष्ट कढ़ाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की जो कढ़ाई है बहुत ही सुंदर और आकर्षक, विश्व के अनेक देशों में प्रसिद्ध थी और कढ़ाई जो है सुई धागे से की जाती थी तथा उसके उत्कृष्ट और सौंदर्यमय नमूने जो हुआ करते थे उस पर बनाए जाते थे, जो आज भी काफ़ी फेमस है। कढ़ाई कला जो है भारत की एक विशेषता रही है, पुराणों एवं वेदों में भी कढ़ाई कला का उल्लेख मिलता है। वस्त्रों एवं परिधानों पर बहुमूल्य रत्नों का, जिसमें हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, पन्ने आदि को कढ़ाई कला के द्वारा जड़ा जाता था। ऐसे वस्त्र अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगते थे और ऐसा आभास होता था कि सूर्य, चंद्रमा और तारेगण के साथ साथ पूरा आकाशी वस्त्र पर उतर आया हो। इस प्रकार की जो विभिन्न कढ़ाइयाँ थी वो भारत में प्रसिद्ध थी। इसके अलावा जो कढ़ाई का काम जो है अधिकतर सिल्क के कपड़ों पर किया जाता था, सिल्क के वस्त्रों पर किया जाता था। नमूने के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य, जिसके अंतर्गत पशु पक्षी है, नृत्य है, नृत्य करती मानव आकृतियां हैं, देवी देवताओं के चित्र हैं और पौराणिक गाथाओं पर आधारित चित्रों के जो है उस पर कढ़ाई की जाती थी। इसके अलावा जो धागे यूज़ किया जाते थे उसमें रंग बिरंगे सूती धागे और रेशमी धागों का ज़्यादातर इसमें उपयोग किया जाता था और इन वस्त्रों को ज़्यादातर देखा गया है तो शादी विवाह है, तीज त्यौहार है, विशेष उत्सव और नाटक खेलने आदि के लिए किया जाता रहा है। तो आज हम बात करते हैं भारत के जो परंपरागत कढ़ाई है उसमें स्थान विशेष के नाम से जानी जाती है जहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे हम भारत के कुछ प्रसिद्ध कढ़ाइयों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं पंजाब की फुलकारी की। यानी जो फुलकारी है, जैसा कि नाम स्पष्ट है, फुलकारी दो शब्दों से मिलकर के बना है, फूल और कारी। फूल का अर्थ होता है फूल यानी फ्लावर और कारी का अर्थ है काम, यानी फुलकारी यानी फूलों का काम यानी वर्क ऑफ फ्लावर्स। यह जो है पंजाबियों का एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, दिल्ली फुलकारी के कामों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पश्चिमी पंजाब में फुलकारी को बाग कहा जाता है, बाग यानी BAGH बाग कहा जाता है। बाग फुलकारी का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें पूरे वस्त्र पर फुलकारी की जाती है। कला से हुआ है, फारसी में इसे गुलकारी कहा जाता है। गुलकारी का शाब्दिक अर्थ जो है फूलों का काम होता है, क्योंकि फारसी में गुल को फूल कहा जाता है, अतः पंजाब फुलकारी गुलकारी से मिलती जुलती है। ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया के लोग जब पूर्वी पंजाब में आए तो इन्होंने इस कला का प्रसार किया। तो यहाँ पर हम जब फुलकारी को देखते हैं तो फुलकारी का काम साधारण खद्दर के वस्त्रों पर किया जाता है। सिल्क के जो सिल्क के धागों से इस पर ज्योतिमय नमूने बनाए जाते हैं। इसमें सीधी, तिरछी, आड़ी, चौकोर और त्रिकोण रेखाओं का उपयोग किया जाता है। रंग संयोजन में लाल, पीला, नारंगी एवं सफ़ेद रंग प्रमुखता से काम में लिया जाता है। रेशमी धागे को पट कहा जाता है। फुलवारी अत्यंत सौंदर्यमय एवं आकर्षक लगती है। पंजाबी परिवार में जैसे कन्या का जन्म होता है, माँ, दादी, नानी उसके विवाह के अवसर पर उपहार स्वरूप देने के लिए फुलकारी का निर्माण करने लगती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फुलकारी के नमूने में वहाँ की स्त्रियों की अनोखी कल्पना शक्ति, स्मृति एवं मौलिकता की पुट रहती है। और जैसे ककड़ी बाग, मिर्ची बाग, धनिया बाग, करोली बाग, अनार बाग, शालीमार बाग, बैंगन बाग, चंद्रमा बाग, जंजीर दा बाग, गुलकेरियन दा बाग इत्यादि जो हैं वहाँ पर संयोजन के आधार पर फुलवारी को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है।
इसके अलावा पंजाबी लड़कियां एवं स्त्रियां जो है बहुत ही इन कामों को बहुत ही कुशलता से करती हैं। उनके कुशल प्रवीण और जादुई अंगुलों से ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र कड़े जाते हैं जिन्हें देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। फुलकारी के नमूने के तौर पर फूल यानी जिसमें सूर्यमुखी के फूल होते हैं, कपास के फूल होते हैं, लिली, गेंदा, फल जिसमें आम, संतरा आदि आदि होती हैं, सब्जियाँ जिसमें बैंगन, मिर्च, इसके अलावा बकरी, भैंस, गाय, खरगोश, घोड़े, हाथी, मुर्गी, तोता, उल्लू, कबूतर आदि का भी इसमें चित्रण किया जाता है। नमूने वस्त्र की सीधी तरफ बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम फुलकारी के विभिन्न प्रकार को देखें तो फुलकारी जो है कई प्रकार की होती है और ये सारी फुलकारी काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चोप की। ये जो चोप है, चोप लाल रंग के चद्दर पर बना होता है जिसे नानी अपने नातिन की शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। ये सुनहरे पीले रंग से रेशमी धागों की दोहरी टंकाई यानी डबल रनिंग स्टिच से बनाए जाते हैं और कढ़ाई जो है वस्त्र के दोनों ओर से दिखती है। इसमें कलाकार के संपूर्ण व्यक्तित्व, कुशलता और प्रवीणता स्पष्ट रूप से झलकती है। ये बहुत ही सुंदर होती है। इसके अलावा दूसरी जो है सुभर, ये शॉल की, ये जो शॉल है ये भी चोप की तरह ही लाल रंग के शॉल पर बनी होती है। इसे माँ अपनी पुत्री की शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। इसे फेरा के समय, जो फेरे होते हैं उस समय पहना जाता है। इस पे भी चोप की तरह ही सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। तीसरा जो है तिलपत्रा, ये जो तिलपत्रा है ये सस्ते और झिरझिरे खद्दर के वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे फूलों के नमूने बनाए जाते हैं। इसके अलावा शीशेदार फुलकारी, इसमें फुलकारी के नमूनों के बीच बीच में शीशे या अभ्रक के टुकड़े या कांच वाले टांके जो है लगाए जाते हैं और अधिकांशतः यह फुलकारी साटन तथा रेशमी वस्त्रों पर की जाती है। शीशेदार फुलकारी का काम जो है मुख्य रूप से सिंध प्रांत में होता है। कढ़ाई में टांके में जो गुजरात और पंजाब की कढ़ाई का प्रभाव झलकता है। कच्छ की जो फुलकारी है इसमें ये भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें कच्छ प्रदेश के जो लोग हैं यहाँ पर ये फुलकारी करते हैं। इस वस्त्र के चारों ओर उत्कृष्ट नमूने के बॉर्डर बनाए जाते हैं तथा बीच में रिक्त स्थानों में पशु पक्षी, फल फूल, पत्तियाँ, नमूने आदि चित्रित किए जाते हैं। नीलक है तो इसे नीलक कहा जाता है। कभी कभी काले रंग के खद्दर पर भी फुलकारी की जाती है। नमूने के रूप में घरेलू सामग्री को चित्रित किया जाता है, जैसे कंघी है, पंखा है, छाता है आदि जो चित्र अंकित किए जाते हैं। इसके अलावा जो बाघ है, दूसरी जो एक और फुलकारी है, बाघ फुलकारी की तरह ही है, काफ़ी लोक प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है और प्रसिद्ध भी है। ये फुलकारी की तरह ही है, परंतु फुलकारी एवं बाघ में खास अंतर है कि इसमें कढ़ाई संपूर्ण वस्त्र पर की जाती है। बाघ जो है सामान्यतः दो रंगों के शेड्स में धागों से बनाए जाते हैं, सुनहरा और पीला सफ़ेद, नारंगी और पीला, हरा और क्रिमसन, लाल और भूरा इत्यादि। बाघ कढ़ाई से युक्त जो वस्त्र इतने सुंदर और आकर्षक लगते हैं कि संपूर्ण वस्त्र पर एक ही बाघ के की तरह प्रभावित होने लग प्रतीत होता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो बाघ हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार के, जैसे घूंघट बाघ, वरीदा बाघ, तो घूंघट बाघ जिसमें तीन कोनों वाला तिकोना लाल रंग का शॉल होता है जिसमें सुनहरे, पीले और चटक रंगों को सुंदर सुंदर नमूने यहाँ पर बनाए जाते हैं। विवाह के शुभ अवसर पर दुल्हन को ये उड़ाया जाता है और उसके सिर के अग्रभाग को ढक ले। इसके नमूने भी त्रिकोणाकार के होते हैं, इसे ही घूंघट बाघ कहा जाता है। वरीदा बाघ, यह भी लाल रंग के शॉल पर बना होता है। इसे विवाह के समय पर वर पक्ष की ओर से दुल्हन को उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। इसके अलावा जो भवन बाघ है, इसमें 52 ज्योतिर्मय आकार के नमूने बनाए जाते हैं। नमूने छोटे छोटे चौकोर में काटे जाते हैं। प्रत्येक चौकोर के मध्य में लाल बिरंगे चटकीले धागे से सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। रेशमी शीशा वाला बाघ जो है, इस प्रकार की कढ़ाई में सफ़ेद रंग के रेशमी धागे से गहरे रंग के पृष्ठभूमि पर कढ़ाई की जाती है, जिससे यह शीशे के समान आभास देता है। सतरंगा बाघ, जब बाघ 7 रंगों के धागों से बना होता है तो सतरंग की पृष्ठभूमि से सफ़ेद धागों से कढ़ाई की जाती है तो चांदरानी बाग कहलाता है। बेलन बाग, बेलन नाम बाग का नाम जो चकला बेलन से पड़ा है, इसमें वस्त्रों पर चकला बेलन के जो नमूने हैं उनको काटा जाता है। सूरजमुखी का बाग, जिसमें मुख्यतः सूरजमुखी के फूलों का चित्रण किया जाता है। नमूने भूमितीय ज्योमेट्रिकल होते हैं, यह विषम कोण, चतुर्भुज और समकोण के आकार में बने होते हैं। तो बाग की कढ़ाई के लिए जो कलाकार जिस स्रोत
से नमूने का चयन करता है, रंग संयोजन करता है, उसी के आधार पर डिज़ाइन का नाम भी देता है, जैसे शालीमार बाग, ककड़ी बाग, हीरा बाग, जैसा कि हमने पहले बैंगन बाग, कद्दू बाग, धनिया बाग इत्यादि। रंगों के आधार पर नमूने का नामकरण किया जाता है, जैसे दोरंगा बाग दो रंग है, पचरंगा बाग पाँच रंग अगर यूज़ किए जाते हैं तो पचरंगा बाग, सतरंगा बाग सात रंग अगर यूज़ किए जाते हैं, नौरंगा नौ रंग इत्यादि। तो बाग कढ़ाई में मुगल काल के प्रभाव को भी दृष्टिगोचर होते हैं, जिसमें चार बाग, शालीमार बाग, चौरसिया बाग, धूप छांव इत्यादि विभिन्न प्रकार के बागों का नामकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो कढ़ाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो चिकनकारी है, लखनऊ की जो चिकनकारी कढ़ाई काफ़ी फेमस है, यहाँ की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाई में शैडो काम किया जाता है, यानी शैडो वर्क जैसे हम कहते हैं, उस तरह का काम यहाँ पर किया जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीन कढ़ाई है। चिकनकारी करने से पूर्व वस्त्र पर नमूने ट्रेस कर लिए जाते हैं। नमूने प्राकृतिक स्रोत एवं घरेलू उपयोग के दैनिक वस्तुओं पर आधारित होते हैं, जैसे चावल का दाना, गेहूं की बाली, फूल फल, पशु पक्षी जिसके अंदर मोर तोता इत्यादि, जिसमें मुख्यतः साटिन और स्टेम स्टिच, मूरी एवं हैरिंग बोन स्टिच का उपयोग किया जाता है। बखियाँ एवं विभिन्न टाँकों की मदद से नमूने के अलग अलग भाग को दर्शाया जाता है। जाली टाँकों से चिकनकारी का काम अधिकतर साड़ियों पर किया जाता है। इसके अलावा पुरुषों के कुर्ते हैं, टोपी है, कफ कॉलर, मेज जो चिकनकारी है, जिसमें मुख्य रूप से जो टाँके लिए जाते हैं बखिया। तो यह जो बखिया है, जिसमें चिकनकारी सबसे लोकप्रिय जो टाँका है, वो बखिया टाँका यहाँ पर काम में लिया जाता है। यह चपटा टाँका, यह चपटा टाँका होता है, कोमल एवं महीन वस्त्रों पर सीधी रब से नीचे का टाँका स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें नमूने की रेखा पर सीधी तरफ से उल्टी बखिया के मशीन के महीन टाँके द्वारा की जाती है। नमूने में मुख्यतः फूल पत्तियाँ, पक्षियाँ आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा मूरी, यह गांठों वाला टाँका है, जिसे नॉट स्टिच कहा जाता है। यह भी एक प्रचलित और लोकप्रिय टाँका है। इसमें गांठें अत्यंत महीन एवं सूक्ष्म बनाए जाते हैं। इन टाँकों के उपयोग से फूलों के नमूने के बीच में भाग भरा जाता है, जिससे फूल में उभरा उभरा नमूना दिखाई देता है। फंदा, यह भी मूरी टाँकों के समान होता है, परंतु इसमें काज वाली यानी बटन होल स्टिच का उपयोग किया जाता है। टेपची, यह साधारण कच्चा टाँका, सिंपल रनिंग स्टिच अथवा डार्निंग टाँका काम में लिया जाता है। जाली नेट, चिकनकारी को जाली टाँकों के द्वारा अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। नमूने के जाली प्रभाव को विकसित करने के लिए धागों को खींचकर अथवा कभी कभार चित्रों को छोटे जो चारों ओर सिलाई करके उसको कस दिया जाता है। इसके अलावा खटाऊ है, जो चपटा टाँका है, इस कढ़ाई में शैडो कार्य किया जाता है। इसमें वस्त्र की उल्टी तरह हैरिंग बोन टाँके द्वारा कढ़ाई की जाती है। इस कढ़ाई में सूक्ष्मता, बारीकी एवं महीनता होती है, जिसके कारण यह देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि चिकनकारी जो है, विभिन्न प्रकार के टाँकों के आधार पर इनको विभिन्न प्रकार का नाम दिया जाता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कश्मीर के कशीदा और हिमाचल की चंबा कढ़ाई आदि के बारे में।